हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल फ्लेवर का 500 ग्राम का केक। इसके लिए हम सबसे पहले क्रीम को व्हिप करेंगे। यहाँ हमने एक कप ली है चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। इसे विस्क करना है, इलेक्ट्रिक विस्कर से मैं विस्क करूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्कर नहीं है तो आप इसकी जगह हैंड विस्कर का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी क्रीम अच्छे से विस्क हो जाती है, पर उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। पहले हम सबसे कम स्पीड में इसे व्हिप करेंगे 2 मिनट के लिए, फिर इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, फिर 2 मिनट के लिए करेंगे एंड लास्ट फुल स्पीड में इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से व्हिप करना है स्टिफ पीक्स आने तक। देखिए, क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप हो चुकी है। यहाँ हमने 180 ग्राम होममेड प्रीमिक्स से एक बेस रेडी किया है। इसमें डाला है 3 टेबलस्पून ऑयल और दूध से इसका बैटर बनाया है। आप अगर प्रीमिक्स की रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ हमने लिया है 1/2 कटोरी पानी, उसमें 1 चम्मच डाला है हमने पाइनएप्पल क्रश। आप चाहें तो इसकी जगह क्रश की जगह चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं, पर पाइनएप्पल क्रश डालने से इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। अब इसे अच्छे से मॉइस्ट करने के बाद हम इसमें लगाएंगे क्रीम की लेयर। अगर आप बिगनर हैं, पहली बार केक बना रहे हैं, तो आप पाइपिंग पैक का यूज़ कर सकते हैं, उससे आप क्रीम लगाइए और इस तरह से इवनली स्प्रेड कीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून डालना है पाइनएप्पल का क्रश। अगर आपके पास पाइनएप्पल की फिलिंग है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमें तीनों लेयर सेट करनी है। सेकेंड लेयर लगानी है, अगेन मॉइस्ट करना है, क्रीम लगानी है, क्रश लगाना है एंड लास्ट लेयर लगानी है। तो देखिए, सबसे नीचे वाली लेयर है, इसे हम ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। इसे भी पानी से हमें मॉइस्ट करना है और इसके ऊपर हमें डालेंगे थोड़ा सा क्रश। ऊपर थोड़ा सा क्रश डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके ऊपर अगेन एक क्रीम की पतली लेयर लगानी है और इसे क्रम कोट करना है। क्रम कोट करने से इसके क्रम्स नहीं निकलते हैं केक में, स्मूथ फिनिशिंग आएगी। पतली से लेयर लगाइए और इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख दीजिए। इसके जो क्रम्स होंगे वो आपस में चिपक जाएंगे। तो देखिए, यहाँ हमने क्रम कोट कर दिया है, अब इसे हम फ्रीज में सेट होने के लिए रखेंगे। तो 15 से 20 मिनट बाद देखिए क्रीम अच्छे से सेट हो गई है। अब इसकी फाइनल लेयर लगानी है हमें। पहले इस तरह से साइड में लगाइए, फिर ऊपर लगाइए और स्पैचुला से इस तरह से स्प्रेड कीजिए। ऊपर जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे आप हटाते जाइए। अब अगर आपके पास स्क्रैपर है तो आप स्क्रैपर की हेल्प से इस तरह से स्मूथ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई पुराना ATM कार्ड होगा, उसे क्लीन करके उसे इस तरह से आप स्मूथ कर सकते हैं और एक्स्ट्रा क्रीम इसमें से हटाते जाइए। जो एक्स्ट्रा क्रीम होगी वो निकल जाएगी। तो देखिए, क्रीम में हमारी फाइनल आइसिंग हो चुकी है। अब इसे हम फ्रीज में रखेंगे अगेन सेट होने के लिए। अब यहाँ पर हमने 2 चम्मच चीनी, 3/4 कप पानी, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर एक न्यूट्रल जेल बनाकर रेडी किया है। अगर आप न्यूट्रल जेल की डिटेल रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये होममेड है और इस तरह से केक के ऊपर फैलाना है। घर का बना हुआ न्यूट्रल जेल है, लेकिन ये मार्केट जैसी शाइन देता है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, कुछ सेकंड में रेडी हो जाता है ये बनकर। चारों तरफ इसे लगाना है और अच्छे से इस तरह से फैलाना है। यहाँ हमने थोड़ी सी ली है डार्क कंपाउंड चॉकलेट, उसमें डाला है थोड़ा सा 1 चम्मच दूध और हल्का सा लिक्विडी टेक्सचर देना है और इस तरह से हमें चीटे मारना है। इसका जो इफेक्ट आता है वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, एकदम बेकरी स्टाइल केक हमारा बनके रेडी होगा। देखिए, इस तरह से फिंगर में लीजिए, उस तरह से चीटे मारने हैं इसके ऊपर। देखिए, केक का लुक हमारा कितना चेंज हो गया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है N1 नोजल, उसमें क्रीम को फिल किया है और उसमें इस तरह से बॉर्डर बनाना है। अब आप चाहें तो केक को इस तरह से भी रख सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है, पर मैं इसमें और थोड़ी सी डिज़ाइन बनाऊँगी। अब केक के ऊपर मैंने इसी N1 नोजल से एक रोजेट बनाया है, उसके ऊपर चॉकलेट की लगाई है गार्निशिंग। फिर मुझे थोड़ा खाली लग रहा था तो मैंने 2 रोज़ बनाए हैं। देखिए, हमारा ब्यूटीफुल सा बेकरी स्टाइल केक बनकर रेडी हो गया है, लग रहा है ना बेकरी जैसा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी, डिज़ाइन पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, मैं फिर मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।